We are studying Unit 8, that is fractions. Yesterday we read about addition and subtraction of fraction. ठीक है, हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तो हमने उसमें एक पैप एक्टिविटी की थी 8.7. ओके, अब जब कल हमने किया था तो उसमें वो लाइक फ्रैक्शन वाले हमने सॉरी हाँ लाइक फ्रैक्शन में हमने एडिशन करना सीखा था. अब आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना हम सीखेंगे. तो इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है, जैसे आपने कंपैरिजन सीखा था अनलाइक फ्रैक्शन का, तो आपने उसके लिए क्या किया था, पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और उसके बाद उसे कंपैरिजन किया था. तो इसी तरह हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, उसको अनलाइक को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनका एडिशन करेंगे. इसके लिए आपके बुक में ऑन पेज नंबर 12 इन योर स्टूडियो बुक आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस हेडिंग है, इन पैप 8.7 द फ्रैक्शंस 1/8 एंड 4/5 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. टू एड देन कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस. आपको टू फ्रैक्शंस दे दी 1/8 एंड 4/5. वो क्या है दोनों एग्जांपल्स के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस क्या हैं, 1/8 4/5. अब ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है. हमें पता कैसे चला कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हमने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है. तो ठीक है, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन. अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है. अब हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. फर्स्ट स्टेप हम क्या यूज करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे, या तो हम इसका एलसीएम लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला हम यूज देंगे जो हमने कंपैरिजन में यूज लिया था, कि या तो हम एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट कर लें या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको कन्वर्ट कर लें. ठीक है, तो आपको एलसीडी फॉर्मूला से दिया हुआ है लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो मैं आपको उस फॉर्मूले से बता देती हूँ. सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो सिंपली वे हो जाता है. कैसे, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी हमारी उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन होती है उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1/8 है उसको सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40. ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गई. तो ये हुई हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन. हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह जो 4/5 है उसको अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इसको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 8 से. तो 4 8 जा 32. ठीक है, और 5 8 जा 40. कर दिया हमने कन्वर्ट. अब डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों का, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन बना दी हमने इसको. तो अब हमारी न्यू फ्रैक्शन क्या हो गई, 5 40 + 32 40. अब हम इजीली इनको
तब वो अनलाइक फ्रैक्शन थी, तो हमने उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को सेकंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड वाली फ्रैक्शन को फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आई। न्यू फ्रैक्शन में 540 + 3240, ठीक है। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो जब हम 542 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 37। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3740। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। ओके, तो ये था एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपके पेज नंबर 12 पे स्टूडियो बुक में इजीली क्लियरली एग्जांपल दिया हुआ है, ये वहाँ से आप और देख सकते हैं। तो एक मेथड तो है ये जो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, और दूसरा मेथड भी जो एलसीडी वाला जो मेथड है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाला, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों डिनोमिनेटर हैं 8 और 5 उनको, सॉरी उनका मल्टीपल्स लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इधर अगर अनलाइक है तो हमें उसको लाइक में कन्वर्ट करना होगा, बस अब हम
एग्जांपल बता देती हूँ, एंड सेपरेशन ऑफ अनलाइक रिएक्शन, तो इसके लिए है एक एरर वॉट 1/4 meter ऑफ रेड क्लोथ एंड 1/3 meter ऑफ ग्रीन क्लोथ फ्रॉम शॉप ए, हाउ मच मोर ग्रीन क्लोथ डिड द टेलर बाय देन द रेड क्लोथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/4 and 1/3, ये हमारी तो सबट्रैक्शन क्या है, ये हमारी फ्रैक्शन है 1/4 and 1/3। अब हमें क्या करना है, इसका सबट्रैक्शन करना है। तो वन मेथड में आपको बता देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, ऐसे के बारे में भी आपको एडिशन में बताई दिया, सेम वही मेथड है। एडिशन का जो मेथड है वही सब्ट्रैक्शन का है, बस अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 1/4 है उसको सेकंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया, क्यों, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इंटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट कर दिया हमने, सेकंड है 1/3। तो 1/3 को फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया, आ गया डिनोमिनेटर से हो गया, लाइक फ्रैक्शन हमने बना दी। अब हमें बताना है कि कितना क्लोथ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन किसमें से करते हैं, बिग में से स्मॉल को, तो बिग कौन सी है 4/12, इसमें से माइनस कर देंगे 3/12, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/12, तो हमारा आंसर होगा 1/12। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 8.8, सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या कर दिया, आपको प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। आपने एलसीडी मेथड यूज करके कर लिया, या फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज दे सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा मेथड यूज देते हैं, दोनों मेथड मेरे लिए सही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी वही सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। अदर सोर्स अगर यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे होगा, अगर यहाँ लाइक फ्रैक्शन होता, सपोज यहाँ लाइक फ्रैक्शन होगा, जैसे कि 1/3 + 2/3, जब अगर यहाँ लाइक फ्रैक्शन होगा तो हम कन्वर्ट नहीं करते उसको, हम डायरेक्टली प्लस कर देते। जैसे मैं आपको इसको भी बता देती हूँ, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होती हमारी 1/3 + 2/3, तो हम क्या करते, 1 + 2 कितना होगा, 3/3 हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि अभी हमें कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्ट फ्रैक्शन है। तो लाइक में हम कन्वर्ट नहीं करते, अनलाइक में कन्वर्ट करते। तो वही 1/3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड डिनोमिनेटर से, तो यह आया 5/15। इसी तरह सेकेंड वाली को फर्स्ट वाली के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया 6/15। ठीक है, आगे हमारी फ्रैक्शन, अब क्या करना है, एडिशन करना है, ये क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन गई है, तो 5/15 + 6/15 = 5 और 6/15 कितना हो गया, 11। तो 11/15 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये करना है, तो आपकी चॉइस है कि आप इसको एलसीडी मेथड से करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। एलसीडी मेथड में आपको पहले दोनों न्यूमरेटर का मल्टीपल्स राइट करना होगा, फिर उसका कॉमन निकाल के एलसीडी फाइंड आउट करना होगा, और फिर उस नंबर को
जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीडी के इक्वल रखना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें है शेड एंड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन इन द गिवन सर्कल यूजिंग अ डिफरेंट कलर फॉर ईच फ्रैक्शन टू वेरीफाई योर आंसर। अब आपको जो सर्कल्स गिवन है उसमें आप इस फ्रैक्शन को रखेंगे 515 एंड 615 को, दोनों को रखेंगे, यानी कि 15 पार्ट करेंगे उसमें से 5 पार्ट शेड करेंगे, सेकेंड सर्कल का 15 पार्ट करेंगे उसमें से 6 पार्ट सर्कल करेंगे और अपना आंसर शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट। इसके बाद इसका सेकेंड है रीता शेयर्स 2 स्लाइसेस ऑफ हर स्ट्रॉबेरी केक एंड 5 स्लाइसेस ऑफ हर वनीला केक विद हर फ्रेंड। हाउ मच मोर वनीला केक डज रीता शेयर देन द स्ट्रॉबेरी केक। तो उसको बताना है आपको कितना ज़्यादा शेयर किया है, हाउ मच। तो यहाँ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अभी हमने एडिशन किया था, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि
की जो स्टूडियो बुक की एक्टिविटी है वो सब आपको बुक में ही फिल करनी है, होमवर्क नोटबुक में या कोई सी भी मैथ्स की नोटबुक में नहीं करनी है एक्टिविटीज़, बुक एक्टिविटी ये सिर्फ आपको होमवर्क बुक में ही करनी है।